हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, राधे राधे। आप सभी का बुद्धा थॉट चैनल में स्वागत है। आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं कि किराएदारों और गरीब लोगों पर किस तरीके से दया करनी चाहिए। तो सुनिए यह कहानी। एक बार की बात होती है, भर्तृ ऋषि होते हैं। वह गंदे संदे कपड़े पहने हुए, बाल बिखरे हुए, धूल मिट्टी में सने हुए कपड़े पहनकर एक राजा के महल में चले जाते हैं। महल में जाकर आराम से उसके सिंहासन पर बैठ जाते हैं और सोने लगते हैं। तब राजा आता है और यह सब देखता है और बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? उठो, यहाँ से जाओ, यह मेरा महल है, मैं यहाँ पर बरसों से रह रहा हूँ। तब भर्तृ ऋषि बोले, यह महल है, मैं तो इसे धर्मशाला समझकर आया था, धर्मशाला। तब राजा ने कहा, यह कोई धर्मशाला वर्मशाला नहीं है, यह मेरे रहने का महल है, मैं यहाँ सदियों से रह रहा हूँ और मेरे पूर्वजों से पूर्वज भी इसी महल में रहते थे। तब भर्तृ ऋषि ने पूछा, अच्छा तो एक बात बताओ, तुमसे पहले इस महल में कौन रहता था? तो राजा ने बताया, मेरे पिताजी। तो भर्तृ ऋषि ने पूछा, वह अब कहाँ है? राजा बोला, वह तो मर गए। अच्छा, फिर भर्तृ ऋषि ने दोबारा पूछा, और बताओ तुम्हारे पिताजी से पहले कौन रहता था इस महल में? तब राजा बोला, मेरे दादाजी। भर्तृ ऋषि ने बोला, अब वो कहाँ हैं? राजा ने कहा, वह भी जिंदा नहीं है, वह भी मर गए। अच्छा, और उनसे पहले कौन रहता था? मेरे दादा परदादा। अब तुम्हारे दादा परदादा कहाँ हैं? तो राजा ने कहा, वह भी मर गए, वह भी अब नहीं रहते इस महल में। तो भर्तृ ऋषि ने कहा, तो ज़रा यह सोच कर बताओ, यह सब धर्मशाला ही तो हुई, ईश्वर की बनाई हुई धर्मशाला है, जिसमें एक आता है, दूसरा चला जाता है, दूसरा आता है, तीसरा चला जाता है। आज तुम रह रहे हो, कल तुम्हें भी जाना है, तो यह धर्मशाला ही तो हुई, ईश्वर की बनाई हुई धर्मशाला है। कभी कोई मकान, दुकान, महल, राजपाट, सोना चांदी अपनी छाती पर रख के ले जा सका है क्या? सब यहीं पर छोड़ के जाना पड़ता है। तब राजा को समझ में आया, वास्तव में यह सब धर्मशाला ही है जो भगवान द्वारा हमको दी गई हैं। उसने भर्तृ ऋषि के चरण छुए, उन्हें भोजन वगैरह कराया और उनसे क्षमा मांगी। तो दोस्तों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।